नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे फ्यूचर मल्टीवेगर स्टॉक के बारे में। आप 2020 में इन्वेस्ट करो और 2030 आते आते आप करोड़पति बन जाएंगे। हम आपको इतने ज़बरदस्त स्टॉक बताएंगे जो आपको फ्यूचर में मल्टीवेगर साबित होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं पहले स्टॉक से। ऊर्जा ग्लोबल, ये सोलर से रिलेटेड कंपनी है। ये जैसे कि पावर बैटरी, सोलर प्लांट, ई रिक्शा, ये सब मैन्युफैक्चर करते हैं। और इसके जगह इसके अलावा और कंसल्टेंसी, इंटीग्रेशन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड सोलर पावर प्लांट, ये सबको भी ये मेंटेन करती है। इस कंपनी का सबसे बड़ा खासियत है कि डेप्ट फ्री है, मतलब इस कंपनी में कर्ज नहीं है। इसका मार्केट कैप लगभग 160 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस 3.20 रुपये का चल रहा है। इसका 52 वीक हाई लो की बात करें तो 5.14 रुपये का हाई है और 52 वीक लो ये 90 पैसे का है। इसका बुक वैल्यू 3.42 रुपये का है और इसका स्टॉक पी रेशियो 77 का है। इस लिस्ट में दूसरा बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, मतलब साउथ इंडिया बैंक। ये बहुत ही अच्छा बैंक है। इसका वैल्यूएशन अभी आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है। ये अभी आपको 6-6.5 रुपये के आसपास में मिल रहा है और इसके पूरे भारत में लगभग 850 ब्रांचेस है और ये बहुत ही अच्छा बैंक है। ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसका मार्केट कैप 1270 करोड़ का है। इसका अभी करेंट प्राइस 7 रुपये का चल रहा है। इसकी 52 वीक हाई लो की बात करें तो 12.5 रुपये का हाई था और 4.80 रुपये का इसका लो था और इसका बुक वैल्यू 29.48 रुपये का है। इसका पी रेशियो 11.23 का है और ये डिविडेंड के देने वाली कंपनी है, मतलब ये डिविडेंड पे करती है तो इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है। इस बैंक का एनपीए बहुत ही कम है। अगर हम दूसरी बैंकों से तुलना करें तो इसका एनपीए बहुत ही कम है और इसका वैल्यूएशन भी बहुत ही सस्ते में यह बैंक आपको मिल रहा है। तो आपके पोर्टफोलियो में ये बैंक रहना मस्ट है, मतलब थोड़े से जगह इस बैंक के लिए भी चाहिए। इस लिस्ट में तीसरा नंबर का है फ्यूचर कंज्यूमर। फ्यूचर कंज्यूमर और रिलायंस का भी डील अभी यहाँ पे हो चुका है। फ्यूचर कंज्यूमर एफएमसीजी सेक्टर का कंपनी है, मतलब बिग बाजार वगैरह सब इसी का ही है। तो इसके बहुत ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और यह कंपनी थोड़े कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी लेकिन अभी सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मार्केट कैप 2254 करोड़ का है। इसका करेंट प्राइस 11.5 रुपये का है। इसकी 52 वीक हाई लो की बात करें तो 36 का हाई है और 5.44 रुपये का इसका लो है। इसका बुक वैल्यू 5.49 रुपये का है और इसका फेस वैल्यू 6 रुपये का है। फ्यूचर कंज्यूमर का राइट इशू भी आने वाला है और इसमें मुकेश अंबानी ने भी पैसा लगाया है। तो जहां मुकेश अंबानी पैसा लगाते हैं तो उस कंपनी का हमेशा भला ही होता है। तो इसको भी देखते हुए अपने पोर्टफोलियो में इसे रखना अच्छी बात है। ये आपको अच्छा खासा मल्टीवेगर रिटर्न दे सकता है। इस लिस्ट में चौथा स्टॉक का नाम है ट्रीडेंट लिमिटेड। ट्रीडेंट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल यान, मतलब ये टेक्सटाइल कंपनी है और इनका डाइवर्सिफाई बिजनेस है। ये पेपर्स और केमिकल में भी इनका बिजनेस है। इनका मार्केट कैप 3465 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस अभी 6.5 रुपये है। इसकी 52 वीक हाई लो की बात करें तो 8.5 रुपये का हाई है और 3 रुपये का लो है। इसका बुक वैल्यू की बात करें लगभग 6 रुपये का है। स्टॉक पी लगभग 15 रुपये का है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है। इस कंपनी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपना कर्ज लगातार कम कर रहा है और ओवरऑल इस कंपनी की बात करें तो इसका ब्राइट फ्यूचर है। इसका बिजनेस डाइवर्सिफाई है, मतलब अलग अलग सेक्टर में काम करता है, लगातार अपना कर्ज कम कर रहा है और यहाँ पर शेयर होल्डर ने भी अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। कंपनी का शेयर प्लेस नहीं है, मतलब इनका शेयर गिर भी नहीं है और ये 52 वीक लो से अच्छा खासा कवर करके 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है और आने वाले समय में यह भी मल्टीवेगर साबित हो सकता है। इस लिस्ट में पांचों कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, मतलब ये बैंकिंग सेक्टर का कंपनी है। पहले इसके CEO के बारे में बात करते हैं। इसके CEO का नाम वी वैद्यनाथम है। ये वही CEO हैं जिन्होंने ICICI के रिटेल को नंबर 1 बनाया था। फिर उसके बाद इन्होंने IDFC फर्स्ट बैंक ज्वाइन किया है। तो इनके जो लीडरशिप है, इनके लीडरशिप में ICICI ने भी अच्छा किया और अब IDFC बैंक भी बहुत ही अच्छा कर रही है। इस बैंक का मार्केट कैप 16109 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस 28.40 रुपये का है। इसका 52 वीक लो की बात करें तो 17.65 रुपये का है। इसका 52 वीक हाई 48 रुपये का है। इसका बुक वैल्यू 27 रुपये का है और ये इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी अच्छा हो रहा है और इसका फेस वैल्यू है 10 रुपये का। तो ये बैंक हमारे पोर्टफोलियो का सबसे स्ट्रॉन्ग शेयर है। अपने पोर्टफोलियो में इसके रहना ही है और फ्यूचर में बहुत ही मल्टीबैगर साबित हो सकता है। जैसे हम SDFC, ICICI, एक्सिस को देख रहे हैं तो IDFC फर्स्ट बैंक भी उसी कैटेगरी में शामिल हो सकता है आगे।
इस लिस्ट में छठवां कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मतलब गैनेक्स लैब। इनके पास 50 से ज़्यादा ड्रग बनाने का लाइसेंस है। और सबसे बड़ी बात इस कंपनी की ये है कि इस कंपनी पर डेब्ट नहीं है, मतलब कर्ज नहीं है। इसके अलावा ये विदेशों में भी अपनी ड्रग्स सप्लाई करती है, मतलब मेडिसिन सप्लाई करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 51 करोड़ का है। इसका करेंट प्राइस अभी 4 रुपये का चल रहा है। इसकी 52 वीक हाई लो की बात करें तो 52 वीक लो इसका 1.32 रुपये का है, और इसका 52 वीक हाई 6 रुपये का है। इसका बुक वैल्यू 2.80 रुपये का है। इसका स्टॉक पी 28 रुपये का है, और इसका फेस वैल्यू 1 रुपये का है। तो अपन इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी में बहुत ही मजबूत फंडामेंटल है। हालांकि ये छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी से भी ये छोटी कंपनी है, लेकिन आने वाले समय में ये आपको बहुत ही मल्टी वेगर साबित हो सकता है, क्योंकि इसका जो टॉप मैनेजमेंट है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है, और इस कंपनी पे डेब्ट नहीं है, मतलब ये फ्री फ्लो होके काम कर रही है और इनके पास कैश फ्लो भी अच्छा है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इस लिस्ट में 7वां नंबर का शेयर है वह है उत्तम वैल्यू स्टील लिमिटेड। ये स्टील से रिलेटेड कंपनी है। ये रोलर स्टील स्ट्रिप बनाती है, सीट्स बनाती है, प्लेट्स बनाती है। यह कंपनी अब धीरे धीरे अपना कर्ज कम करके पॉजिटिव में आ रही है, और ये एक प्योर पेनी स्टॉक है। ये बहुत ही छोटी कंपनी है, लेकिन इसका जो बिजनेस करने का तरीका है वो बाकी कंपनी से अलग है। इसका मार्केट कैप अभी 389 करोड़ का है। करंट प्राइस 60 पैसा का चल रहा है। इसका 52 वीक हाई लो की बात करें तो इसका 52 वीक लो 5 पैसे का था, और इसका जो 52 वीक हाई है वो 85 पैसे का है। इसका बुक वैल्यू थोड़ा सा माइनस में है, लेकिन आगे आगे जैसे ये अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा और ये पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका बुक वैल्यू भी सुधर जाएगा। इसका सेल्स ग्रोथ भी थोड़ा मतलब डाउन है, लेकिन ये आने वाले समय में अच्छा करेगा, क्योंकि जो इसका जो बिजनेस है ना वो अलग तरीका का है। मतलब ये स्टील से रिलेटेड इसको प्लेट्स बनाते हैं, जो इनके कॉम्पिटिटर भी बहुत ही कम है। इस कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपये का है। ये छोटी कंपनी है, लेकिन अपने ऊपर से कर्ज धीरे धीरे कम कर रहा है, और इसका पिछले 2-3 क्वार्टर से रिजल्ट भी अच्छा है, मतलब और इसका रिजल्ट भी अच्छा है, तो ये भी आगे जाके आपको मल्टी वेगर साबित हो सकता है। इस लिस्ट में 8वां स्टॉक का नाम है BAG फिल्म एंड मीडिया लिमिटेड, मतलब ये मीडिया से रिलेटेड कंपनी है। ये जो टेलीविज़न पे जो भी कंटेंट बनाती है, जो सीरियल बनाती है, उसमें ये लीडिंग है, तो इसका भी फ्यूचर आगे जाके और अच्छा ब्राइट हो सकता है। तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। इसका मार्केट कैप लगभग 49 करोड़ का है। इसका करेंट प्राइस अभी 2.45 रुपये का है। इसका 52 वीक हाई लो की बात करें तो इसका 1.33 रुपये का लो है, और 52 वीक हाई इसका 3.61 रुपये का है। इसका बुक वैल्यू लगभग 7.5 रुपये का है। इसका सेल्स ग्रोथ भी पिछले 3 साल में 7% से ग्रो कर रहा है, और इसका जो फेस वैल्यू है वो है 2 रुपये का। अपन इस कंपनी को अगर वर्चुअली देखें तो ये डेब्ट फ्री है, मतलब ना के बराबर इस पे कर्ज है, और इसका जो रेशियो है जो प्रॉफिट का वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे ये कंपनी अपने आप को अच्छा डेवलप कर रही है, और अभी जो कोरोना की वजह से पिछले 2-3 महीने से शूटिंग रुका हुआ था, इसका फ़र्क इसके सेल्स में दिखा था, लेकिन अब तो कोरोना भी धीरे धीरे हट रहा है और अनलॉक भी हो रहा है, तो आने वाले समय में ये आपको और अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो इसे भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, जो आगे जाकर मल्टीवेगर साबित हो सकता है।